हाय दोस्तों, क्रिएटिव एक्शन की और एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ओल्ड होम थिएटर में ब्लूटूथ सेट करके दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी एक ओल्ड होम थिएटर है, आप उसमें ब्लूटूथ सेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइव एक्स से जुड़ी हर वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस होम थिएटर में आपको ब्लूटूथ सेट करके दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें चाहिए एक ब्लूटूथ मॉड्यूल किट। दोस्तों, ये मॉड्यूल किट आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में 150 से 200 रुपये के आसपास में मिल जाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, इसमें बहुत सारा फीचर्स दिया गया है। तो चलिए पहले इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक बॉक्स। दोस्तों, आप जो कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले से मार्क करके रखा था, और दोनों साइड में दो होल का आइकन भी बना के रखा। दोस्तों, हमारा जो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसके माप से ही हमें इसको कट करना है। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने मार्क करके पहले से रखा था। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने इसको कट कर लिया। उसके बाद दोस्तों, हमें इसकी दोनों साइड में दो होल करना भी पड़ेगा, ताकि हम इसको मॉड्यूल को सेट कर सके। तो देख सकते हो दोस्तों, मॉड्यूल के पास में भी दो होल है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें इस मॉड्यूल के साथ दो कनेक्टर देखने को मिलता है। एक है हमारा ऑडियो आउटपुट कनेक्टर, और दूसरा है 5 वोल्ट इनपुट कनेक्टर। दोस्तों, ये है हमारा 5 वोल्ट कनेक्टर। तो चलिए इसको पिन के साथ सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एंटेना आउटपुट राइट, ग्राउंड और आउटपुट लेफ्ट। इसका मतलब है तीन पिन के मदद से हम एम्पलीफायर वगैरह, होम थिएटर कुछ भी चला सकते हैं। तो चलिए दूसरे कनेक्टर को भी सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने कनेक्टर को सेट कर लिए। उसके बाद दोस्तों, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को हम बॉक्स के साथ कनेक्ट कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। दोस्तों, इसे सेट करने के लिए हमें चाहिए दो स्क्रू, क्योंकि हमारा जो दो होल है उसमें इसको टाइट करना है। तो चलिए देख सकते हो दोस्तों, मेरे हाथ में दो स्क्रू है। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने तो ब्लूटूथ मॉड्यूल को सेट कर लिए। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए एक आउटपुट जैक। तो देख सकते हो दोस्तों, ये आपको मार्केट में 5-10 रुपए के आसपास में मिल जाएंगे। तो चलिए इसकी नट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस कनेक्टर को हम बॉक्स के पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने पहले से इसमें होल करके रखा था। तो चलिए इसकी स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो आउटपुट का वायर था, उसमें 3 वायर था। एक है ग्राउंड, और दूसरा है आउटपुट राइट, और तीसरा आउटपुट लेफ्ट। दोस्तों, ग्राउंड को हम बीच में सोल्डर कर लेंगे, और आउटपुट लेफ्ट या राइट जो कोई भी वायर को साइड के पिन में सोल्डर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए एक चार्जर। दोस्तों, ये 5 वोल्ट का है। तो चलिए इसको बॉक्स के अंदर सेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए एक आईसी। तो देख सकते हो दोस्तों, इसका नंबर है L7805CV। तो दोस्तों, इस आईसी में 3 पिन है, बीच का पिन और राइट का पिन। इस दोनों पिन में हम चार्जर की वायर को सोल्डर कर लेते हैं। तो चलिए सोल्डर कर लेते हैं। किस तरीके से करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए
तो दोस्तों चार्जर की जो रेड वायर है यानी पॉजिटिव, इसको हम राइट साइड में सोल्डर कर लेंगे और वाइट को बीच में सोल्डर कर लेंगे। तो चलिए सोल्डर कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमने दोनों वायर को सोल्डर कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमें मॉड्यूल के साथ दो वायर देखने को मिलता है। इस दोनों वायर को हम इसके पिन के साथ भी सोल्डर कर लेंगे। दोस्तों इसमें से एक है हमारा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव को हम रेड वायर के साथ सोल्डर करेंगे और नेगेटिव को हम वाइट वायर के साथ सोल्डर कर लेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों हमारे जो एम्पलीफायर है वो फुल्ली कंप्लीट हो गया। आईसी को हम साइड में रख लेंगे ताकि किसी के साथ बोर्ड के साथ कनेक्शन ना हो। तो दोस्तों होम थिएटर का ब्लूटूथ मॉड्यूल की वायरिंग हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स के पीछे की तरफ हमें एक जैक देखने को मिलता है। दोस्तों ये जैक फिलहाल हमारे होम थिएटर का चलाने के लिए, दोस्तों इसको चलाने के लिए हमें एक ऑडियो जैक चाहिए। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, दोस्तों ये वाला जैक है। दोस्तों ये आपको मार्केट में 30 रुपये के आसपास में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको होम थिएटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा होम थिएटर ब्लूटूथ बन जाए। तो चलिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास जो होम थिएटर है वो 2-in-1 है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इनपुट बोल के एक ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे तो जो जैक है इसमें से एक जैक में हम लगा लेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो ब्लूटूथ होम थिएटर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों होम थिएटर और ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल किट का बॉक्स है इस दोनों में हम करंट दे देंगे। तो चलिए लाइन दे देते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल किट है वो ऑन हो चुका है और ये ब्लूटूथ मोड में चला गया। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई होम थिएटर है जिसमें ब्लूटूथ नहीं, आप भी इस वीडियो को देखने के बाद सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहो तो इस ब्लूटूथ किट को आप होम थिएटर के साथ भी, होम थिएटर के अंदर भी सेट कर सकते हो या फिर बॉक्स के साथ भी सेट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।